Hello friend, welcome back to my channel. So finally I'm going back to Delhi. मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ. काफ़ी घूम लिया, काफ़ी देख लिया जगह, अब थक गया, इसलिए सोचा था बस से जाऊँगा. पर फिर सोचा आराम से लेट लेट के जाता हूँ, इसलिए ट्रेन से जा रहा हूँ. तो मेरा आज का ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, तो वो आएगा 6:30 को आएगा, तो और मेरे पास आधा घंटा बचा है. तो मैं तब तक मैं आपको एक नया किस्म, एक अलग ट्रेन एक तो दिखाता हूँ. आप लोग भी उस ट्रेन को देख के बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा. तो फ्रेंड्स ये है वो ट्रेन. आई थिंक ये अभी भी नहीं, करंट से ही चलता है. मुझे इसे देख के से ऐसा लगा था कि डीजल इंजन या फिर स्टीम से चलता है, पर ऐसा नहीं. पर इसे ऐसे बनाया गया जैसे कि ये अभी भी स्टीम या डीजल से चलने का तरीका, पर ऐसा नहीं है, ये करंट से चलता है. और मेरा ख्याल से ये स्पेशली फॉर टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें देख के मुझे ऐसा लगा है अंदर का जो सीट अरेंजमेंट है ये सब, और काफ़ी छोटा है ये ट्रेन, तो इस पर शायद सिर्फ ये कुछ ये टूरिस्ट प्लेस में इसमें घुमाता होगा शायद. तो अच्छा लगा ये ट्रेन को देख के, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी जाते जाते ये ट्रेन को मैं दिखा दूँ. देखिए ये सफारी का कुछ कुछ ड्राइंग है, और ट्रेन के अंदर कुछ अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ. देखिए सीट लोग अभी भी रैप है, शायद ये टूरिस्ट ओनली फॉर टूरिस्ट पर्पस इसको रेडी कर रहा है. यहाँ पे रेस्टोरेंट है इस ट्रेन के अंदर ही, और मेरे ख्याल से ये सब ये पूरा ये कुछ जंगल एरिया को सफारी में यूज़ करता होगा. ये न्यूली इंट्रोड्यूस है ऐसा हुआ है शायद, पर अच्छा है जो भी है, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है. और यहाँ देख सकते आप लोकल ट्रेन जा रहा है, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ शताब्दी एक्सप्रेस के लिए. तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ शताब्दी एक्सप्रेस के लिए, वो 6:30 को पहुँचेगा. उसके बाद हम शायद रात का 10:30 तक पहुँच जाएंगे दिल्ली. उसके बाद आज घर पहुँच के थोड़ा रेस्ट करते हैं, काफ़ी थक गया है, बदन भी पूरा एग्जॉस्ट हो गया है. तो देखना मैं आपको और आगे दिखाता हूँ क्या क्या आज होता है. निकल पड़ा हूँ दिल्ली की ओर. देखिए यहाँ पे निकल पड़ा ट्रेन से. शताब्दी एक्सप्रेस भी काफी अच्छा है लग रहा है. अंदर आके तो ठीक ही है, इतना गंदा भी नहीं, अच्छा है. और एसी ऑन है तो बैठने के लिए भी आराम है. लेट्स सी, अभी 3 घंटा का तो रास्ता दिखा रहा है, पर कितना बजे पहुंचाता है. मोस्ट प्रॉब्ली 3 and 10-20 minutes ऐसा ही लगेगा दिल्ली पहुंचने में. तो 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा और 11 बजे तक अपने रूम पहुंच जाऊंगा. तो अभी यहाँ पे अगर कुछ खाने को देता है तो मैं दिखाता हूँ क्या मिलता है, बने रहिए मेरे साथ. got now मेरे टिकट पे इंक्लूडेड था. ये क्या है, भेल मैजिक रोस्टेड चना, डेयरी क्रीम, शुगर, इट्स अ केक, एंड दिस इज समोसा, और शायद चाय मिलेगा बाद में. तो बने रहिए मेरे साथ. मुझे लगता है वंदे भारत के कंपेयर में शताब्दी का सीट काफ़ी कंफर्टेबल है.
गांधीबाग का भी अच्छा है, पर वो ज़्यादा ठीक है, ठीक पतला होने के कारण वो पीछे वाला दर्द हो जाता है। तो ये शताब्दी का सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो मैंने अपना लाइट इवनिंग का स्नैक्स भी खा लिया है, पर अभी तक मुझे वो नहीं दिया, क्या होता है गर्म पानी जिसे मैं चाय बना के आ गया, गर्म पानी वाला मैं ले लेता हूँ। और क्या गर्म पानी देना भाई, काफी अच्छा गर्म। थैंक यू। तो आ गया मेरा गर्म पानी। क्या लिखा है? आई एम CTC। अभी इसमें मैं चाय बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ चाय कैसे बनाता हूँ। मेरा चाय बनके रेडी हो गया। मजा आ गया। यहाँ पे मैं फिर गलत हो गया हूँ। मैंने सोचा था एक कर्ड है, पर ये निकला सन पापड़ी। हम छोटे में इसे हाथी के टट्टी कहते थे। कौन कौन कहते थे हाथी के टट्टी? तो ये खाने पर, ये खाने में बहुत टेस्ट होता है, जैसे हम छोटे में हाथी के टट्टी कहते थे। हियर कम्स माय डिनर अगेन। क्या क्या मिला डिनर में? एक आम का अचार, हाँ इस बार दही मिला है। ये क्या है देखता हूँ, नीचे पनीर की सब्जी। आई गेस ये तो रोटी है, हाँ रोटी है ये। और इसमें क्या है? दाल। What is this? राइस। अच्छा ठीक है, चलो खा लेते हैं। खाने के बाद बताता हूँ आप लोग को कैसा लगा ये मेरा डिनर। पहले रोटी से शुरू करते हैं, कैसा है चेक करते हैं। पनीर में डुबाता हूँ और अचार में लगाता हूँ, इसके बाद खाता हूँ। काफ़ी टेस्ट निकला, एक्चुअली भूख भी लग गया इसलिए भी टेस्ट लग रहा होगा, पर अच्छा लिए। अब चावल खाते हैं, पहले दाल थोड़ा बस। पनीर की सब्जी ऊपर से अचार। लेता हूँ अब खा के देखता हूँ ये कैसा है। ठीक है, इतना खास भी नहीं, चलेगा।
लेता हूँ उसके बाद फिर आप उसे लेता हूँ। तो खाना तो हो गया है, खाना तो हो गया है, अब खाते हैं दही। क्या लिखा है? क्लासिक दही मदर डेयरी का। डाइजेस्ट हो जाएगा ये खाने से, तो मैं खोल लेता हूँ इसे। बहुत करवा है और दही तो ऐसा ही होता है, करवा पेट के लिए अच्छा है। और फिर आखिर में मुझे मिला आइसक्रीम जो कि था अमूल का प्रोडक्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। खाने के बाद अमूल का आइसक्रीम खा लो तो काफ़ी अच्छा तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो फाइनली आई हैव रीच दिल्ली, तो अब मैं उतरता हूँ। पहुंच गए, बाहर निकल गए, यहाँ से एक रेपिडो लेते हैं, चल देता हूँ। मजा आ रहा है, फाइनली दिल्ली पहुंच गए। रूम फ्रेंड्स, तो ये था राजस्थान का सीरीज, नॉट राजस्थान का सीरीज बट जयपुर का सीरीज, क्योंकि पूरा राजस्थान तो नहीं घूम पाया, समय भी कम हो गया और G20 का वजह से बहुत जगह जा नहीं पाया। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। इसी तरह और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नए नए जगह दिखाए और नया चीज़ दिखाए। टिल देन टेक केयर, लव यू, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, हाँ, और टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।